चुनाव हो और कोई सीडी, ऑडियो या वीडियो वायरल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भले ही उपचुनाव क्यों ना हो, विधायक भीमा मंडावी की नक्सली हमले में मौत के बाद खाली हुई राज्य की दंतेवाड़ा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसे लेकर धमकी भरा एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। ऑडियो कांग्रेस प्रत्याशी देवती कर्मा की बेटी तुलिका के नाम से वायरल किया जा रहा है, जिसमें आलनार के रहने वाले किसी पवन कर्मा नाम के व्यक्ति को धमकी दी जा रही है और धमकी देने वाली कथित तौर पर तुलिका बताई जा रही है। 32 सेकंड के इस ऑडियो में वे जेल भेजने की धमकी दे रही है। यह ऑडियो एक छोटा सा हिस्सा है जो कि वायरल हो रहा है। पहले सुनिए आप भी ये ऑडियो। जिस दिन चाहेंगे उस दिन जेल भर दूंगी, याद रखना। सही बात, कैंसिल करवा रहे हैं बुआ उसको। कैंसिल करवा रहे नहीं, अब मैं एसपी साहब को बताती हूँ। इतने दिन से तुमको जो मना करके रखी थी ना, उस समय भी कमिश्नर साहब के पास तुम्हारा नाम गया था। तुम लोगों का सब सुखनाथ का नाम था, तुम लोगों का नाम था। तुम्हारे तरफ मीटिंग में आते हैं बोल करके, जाते हो तुम लोग, हर चीज करते हो, आते जाते हैं बोल करके। हम लोग आसल नहीं बोले, अपना समझ करके, लेकिन अब गलत कर दिए। ठीक है, कैंसिल करवा रहे हैं बुआ। कैंसिल नहीं, अब मैं बताऊंगी तुमको। ठीक है पवन, तुम जानते नहीं थे, करवाओ तुम, अब कुछ भी करो। ठीक है, कैंसिल करा रहे हैं बुआ उसको। रखो अब तुम, रखो, बहुत हिम्मत आ गया तुम लोगों का। हालांकि तुलिका कर्मा का कथित ऑडियो वायरल होने के बाद से दंतेवाड़ा की सियासत में तेज हो गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही इस तरह की धमकियों का दौर जारी है। वहीं इस मामले में दंतेवाड़ा कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि उनके द्वारा इस तरह का ऑडियो वायरल होना विपक्ष की साजिश बता रहे हैं। इस मामले में तुलिका ने कहा कि ये परिवार की बात है, पवन भतीजा है, उससे मिलने नक्सली आते जाते हैं, इसलिए माना कि ऑडियो आधी वायरल की गई है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।